दोस्तों, मैं हूँ ज़ुल्करनैन अहमद, द मिरर ऑफ डेज में आपका इस्तकबाल है। आज फिर एक नए कोर्स के साथ हाजिर हूँ। आंसुओं के रंग क्यों नहीं होते? इंसान के अंदर मुख्तलिफ एहसासात व जज्बात होते हैं जो अलग अलग मौके पर दिल की कैफियत पर मुनसर होते हैं। दिल से इनका बहुत गहरा ताल्लुक होता है। किसी के लफ्ज़ों के ज़रिए दिल को सुकून मिलता है तो किसी के लफ्ज़ों से तकलीफ़ पहुँचती है। किसी के देखने से परेशानी नागवारी होती है तो किसी के देखने से दिल खुश होता है। किसी की हरकत से दिल में दर्द होता है, किसी के काम से सुकून मिलता है। ऐसे मुख्तलिफ हालात इंसान के साथ ज़िंदगी में खुशी और गमी के मौके पर पेश आते हैं। यही एहसास व जज्बात होते हैं जिनके दिल में पैदा होते ही खुशी व गमी का असर आँखों से नुमाया होता है। जब किसी से बेइंतहा मोहब्बत हो जाए और हमारे सामने हो तो आँखों में एक चमक होती है, खुशी होती है, और वही अगर हमसे दूर होना चाहे तो उन्हें आँखों से आंसू झलक पड़ते हैं। यह एहसास व जज्बात ही होते हैं जो आँखों से आंसू बनकर बहने लगते हैं, लेकिन इनका रंग यकसा ही होता है। अल्लाह ताला ने इनका रंग पानी की तरह साफ़ रखा है, वो खालिस किसी वजह से बहने लगते हैं। जिस इंसान के लिए दिल में मोहब्बत उल्फत एहसास जज्बात होते हैं उन्हीं के लिए ये ख़ास होते हैं, वरना जहाँ कोई एहसास ना हो वहाँ ये चाहकर भी नहीं बहते। आंसू का रंग इसलिए भी यकसा है कि खुशी के हो या गम के बस एक ही रंग में बहने लगते हैं। इनका रंग मुख्तलिफ नहीं होता, बस जिसके साथ ये सब होता है उसे पता होता है कि इनकी हकीकत क्या है। जिसके लिए निकलते हैं उन्हें महसूस होता है कि इन बेरंग आंसुओं में किसके लिए एहसास व जज्बात है। अच्छा ही हुआ कि अल्लाह ताला ने इन आंसुओं के रंग नहीं बनाए कि फला एहसास का फला रंग, फला जज्बात का फला रंग, वरना सारे राज दुनिया वालों के सामने आया हो जाते और इंसानों के कितने ही भेदों का राज फाश हो जाता जो वो किसी से भी कहना नहीं चाहता है, या फिर कोई उन्हें सुनने वाला ही ना हो। इन आंसुओं के पीछे के राज अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।